दोस्तों वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ, मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के बारे में कि आजकल के लड़के, आजकल के नौजवान लड़के होते हैं वो लड़कियों के ज्यादा भाभियों को या खुद से बड़ी उम्र की लड़कियों को क्यों पसंद करते, ऐसी औरतों को क्या पसंद करते, तो इसके कुछ रीजन है। रीजन के बिना तो ये सारी चीजें होती नहीं, इसके बारे में भी आपको पता है क्योंकि आज एक अलग ट्रेंड चल रहा है। आज के टाइम पे कुछ नया ट्रेंड चल रहा है क्योंकि समय समय पे पहले लड़के को ऐसी लड़कियां पसंद होती थी जिसके कोई बॉयफ्रेंड ना हो, जिसके कोई रिलेशन ना हो, लेकिन इस समय के बाद लोग ऐसे लोगों को पसंद करने लगे हैं जो पहले से रिलेशन में हो यानी कि एक्सपीरियंस लोग में। लेकिन आज के टाइम पे लड़के ऐसी औरतों को पसंद करते जो ऑलरेडी मैरिड होती, उनके साथ रिलेशन बनाना चाहते, तो उसके कुछ लड़कों को शायद उसमें फायदे होते ही हो गए, इसीलिए वो रिलेशन बनाते। हालांकि मैं यहाँ पे ये चीज नहीं कह रहा हूँ कि ये चीजें अच्छी है या गलत है, आपको चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लड़के ऐसा क्या देख रहे हैं और उनको कौन सी चीजें मिल रही है, कौन से फायदे हैं, उनके बारे में इसी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि अनमेच्योर नहीं होता। आपको पता होगा कि अगर कोई आप ऐसी लड़के के साथ रिलेशन बनाते हो जिसने पहला रिलेशन आपके साथ बनाया हो, तो आपको पता होता कि उसमें रिलेशन में वो थोड़ी सी अनमेच्योर आपको यहाँ पे होगी कि आपको कुछ चीज़ें उनके साथ आपको क्लियर करनी पड़ेगी, कुछ सिखाना पड़ेगा, धीरे धीरे चीज़ें ग्रो होती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी औरत के साथ रिलेशन बनाते हो जो ऑलरेडी मैरिड है, तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का फायदा होगा कि वो फुली मैच्योर होगी इन चीज़ में। उनको पता होता है कि रिलेशन क्या होता है, एक मर्द को किस तरह से खुश किया जाता है, उनको ये चीज़ के बारे में भी पता है कि आप उनके साथ रिलेशन में क्यों आए, तो डायरेक्ट आपके मतलब की बात होती है यहाँ पे। तो इसीलिए लड़के होते हैं वो ज़्यादा रिलेशन इस तरह से बनाता है क्योंकि लड़की के साथ उनको सेट होना पड़ता है रिलेशन में और इतने सारे चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट उस स्टेज पे आ सकते हो क्योंकि वो औरत आपको समझ सकती है कि आप क्यों रिलेशन में आए और आपको क्या चाहिए और आप कौन सी चीज़ से खुश हो गए। दूसरी बड़ी बात, एक चीज़ ये भी होती है कि औरत होती है, लड़की होती है, कोई भी जिसके बारे में भी आप बात कर लो, वो अपनी उम्र में, एक औरत होती है अपनी उम्र में 25 से 30 ईयर, जो कितनी भी खूबसूरत हो लेकिन इस एज पे वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसलिए जो मैरिड वुमन्स होती है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल और उस टाइम पे ज़्यादा आकर्षक होती है, इसलिए लड़के उनको ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तीसरी बात कि लड़कों को एक चीज़ के बारे में पता होता है कि एक्सपीरियंस वुमन होती है वो आपके लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, लेकिन आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उनके पास होते हैं क्योंकि उनको तजुर्बा होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है कि रिलेशन में क्या करना होता है, क्या चीज़ें नहीं करना होता, किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, किन चीज़ों का ख्याल नहीं होता। क्योंकि कभी कभी लड़की अगर अनमेच्योर होती है, उनको इन चीज़ का तजुर्बा नहीं होता, तो आपके लिए कभी कभी मुसीबत खड़ी कर सकती है। लेकिन औरत होती है हर चीज़ का ख्याल रख सकती है आपके लिए क्योंकि उनको पता है, उनके पास तजुर्बा होता है। आप कभी जॉब के लिए गए होंगे तो आपको पता होगा इन चीज़ के बारे में, जो भी कंपनी और कोई भी जो आपको हायर करेगा वो आपसे पूछेगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, और कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी उन्हीं लोगों को पहले प्राथमिकता देगी जिनके पास एक्सपीरियंस है, सेम चीज़, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि ये काम किस तरह से अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसीलिए कंपनी उन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता देती है जिनके पास एक्सपीरियंस होती है। इसीलिए आज के लड़के हैं उन औरतों को, उन लड़कियों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, उन मैरिड वुमन्स को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उस लड़कों का मोटो यही होता है कि उनको रिलेशन में कुछ खुश करे ऐसी लड़की या औरत चाहिए, इसीलिए वो मैरिड वुमन को चूज करते हैं। वुमन्स होती है वो डायरेक्टली आपसे मतलब की बात करती है, इसीलिए लड़कों को अच्छा लगता है कि उनके कोई नखरे नहीं होते। ये एक चीज़ भी होती है कि मैरिड वुमन्स होती है उनको बात करने का बेहतरीन अंदाज होता है आपके साथ, उनको लड़कों और पुरुषों के साथ पता होता है कि क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, क्या चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, इसलिए फालतू की ऐसी चीज़ नहीं होती, तो लड़कों का एक्सपीरियंस उनके साथ बात करने में भी बहुत ही अच्छा रहता है। और उनके साथ साथ मैरिड वुमन होती है डर, संकोच और शर्म ऐसी चीजें निकल गई होती है, दूसरे पुरुषों के साथ भी इन्होंने ये सारी चीजें की है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही रेडी प्लेटफॉर्म मिलता है, तो आपको ये सारी चीजें करनी नहीं पड़ती, उसके लिए कोई मेहनत नहीं लगती। आखिरी और पांचवी बात की मैरिड वुमन्स का बेड में एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सारे लड़के ये कहते हैं कि ये सारी चीजें वो वर्जिन लड़कियों के साथ करने चाहते हैं, लेकिन आज के लड़के ये चाहते हैं कि उनका ये बेड का एक्सपीरियंस कोई मैच्योर वुमन यानी कि कोई मैरिड वुमन के साथ हो। इस बात में कोई संकोच नहीं है कि मैरिड वुमन होती है वो आपको बेड में ज्यादा खुश कर सकते हैं, इसीलिए ये सारी चीजें होती है। इसलिए आज के लड़के इन चीज़ को समझते हैं और उनके मानते हैं। हालांकि मैं इस चीज़ में नहीं कहता हूँ कि आपको मैरिड वुमन के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। मोस्ट ऑफ ऐसे रिलेशन होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं और ये खतरनाक भी होते हैं क्योंकि इसमें कभी कभी बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे रिलेशन बनाना चाहिए, लेकिन किसी ने मुझे कॉमेंट में पूछा था इसलिए मैंने बोल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लड़के ऐसे क्यों करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करिए, और आप मेरे वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं ऐसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ जो आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो गए। तो फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।